100 करोड़ लोग सुन चुके मोदी के मन की बात, 23 करोड़ लोग इसके रेगुलर लिसनर्स हैं। आई एम रोहतक के स्टूडियो। आदिवासी प्रतिनिधि मंडल से मिले अखिलेश यादव, बोली भाजपा ने आदिवासियों को जंगल जमीन से उजाड़ा। बरेली में महापौर के लिए 15 नामांकन, 80 वार्ड में पार्षद पद के लिए 568 दावेदार, नगरपालिका अध्यक्ष के लिए 60। काशी में गंगा पुष्कर महाकुंभ, 80 से दशाश्वमेध घाट तक 12 दिन तक पुष्करालु में 12 लाख श्रद्धालु करेंगे पिंडदान। प्रयागराज के डिप्टी सीएमओ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, दम घुटने से मौत, विश्व असुरक्षित, रात में होटल में खाना मंगवाए लेकिन खाया नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां पर राजभवन में पीएम मोदी की मन की बात प्रसारित होने वाली है। 30 अप्रैल को रेडियो प्रोग्राम मन की बात के 100वें एपिसोड पूरे हो जाएंगे। साथ ही राजभवन में उन लोगों को आमंत्रित किया जाएगा जिनकी कामयाबी का जिक्र पीएम मोदी ने मन की बात में किया है। वहीं इस मौके पर राजभवन में प्रदर्शनी लगाई जाएगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन पर इस कार्यक्रम को खास बनाया जाएगा। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी का धुआंधार प्रचार जारी है। सीएम योगी आज रायबरेली, उन्नाव और लखनऊ में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं करेंगे। कार्यक्रम के मुताबिक सीएम योगी पहले रायबरेली, 3 बजे उन्नाव और शाम 7 बजे लखनऊ के बुद्धेश्वर चौराहे पर जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बता दें, इससे पहले सीएम योगी ने सोमवार को सहारनपुर, शामली और अमरोहा में चुनावी जनसभाएं की और जमकर विपक्ष पर निशाना साधा था। वहीं सीएम योगी जमकर विपक्ष दलों को भी घेर सकते हैं। आज प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी की जयंती के अवसर पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा की प्रतिमा पर मल्यार्पण कर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मित्रों, आज प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी की 104वीं पावन जयंती है। इस अवसर पर मैं प्रदेशवासियों की ओर से स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं कि 25 अप्रैल 1919 को स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी का जन्म आज के उत्तराखंड राज्य के पौड़ी जनपद के गांव में हुआ था। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ट्विटर के जरिए जान से मारने की धमकी मिली है। बता दें कि डायल 112 पर मैसेज भेजकर सीएम को धमकी दी गई है, जिसके बाद सुशांत गोल्फ सिटी पुलिस ने धमकी देने वाले शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। पुलिस एफआईआर दर्ज कर मामले की पड़ताल में जुट गई है। कानपुर में टिकट बंटवारे और नामांकन प्रक्रिया के साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इस बार बीजेपी ने एक छोटे से कार्यकर्ता वीरेंद्र सिंह पर भरोसा जताते हुए उनकी पत्नी कविता को टिकट दिया। टिकट की घोषणा होते ही कुछ लोगों ने ये आरोप लगाना शुरू कर दिया कि वीरेंद्र सिंह गांजा तस्करी के मामले में जेल जा चुका है। वहीं बीजेपी कार्यकर्ता वीरेंद्र सिंह और उनकी पत्नी का कहना है कि सारे आरोप निराधार हैं। इनको फंसाने की साजिश रची गई थी और जनता पार्टी में जुड़े थे, इसलिए जन के मन इनको फंसाया गया था। इस बार क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सिंह चौहान। वीरेंद्र जी, जो आपकी पत्नी को भारतीय जनता पार्टी ने वार्ड 9 से जिम्मेदारी दी है, आपके ऊपर कहीं ना कहीं देखा सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है, आप बड़े गंदे
आरोप, संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? भाई साहब, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा। और ये चुनाव का मुद्दा है भैया, हर बार ये कुछ ना कुछ मुद्दा उछाला जाता है। अगली बार मैंने विजय गौतम को वार्ड 9 से पार्षद बनाया था, इसी को लेके मुझे दूसरी पार्टियों ने हमारे ऊपर मतलब पहले से ही प्रेशर बना रही थी। कहीं उनको ये लग रहा था कि कहीं अगर ये पार्टी में घूम जाएंगे तो हमारा मैं ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता उपेंद्र जुड़ेंगे। उपेंद्र, कार्यकर्ता वीरेंद्र सिंह पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो गांजा तस्करी का काम करते हैं। मैं आपको बता चला हूँ, जो वार्ड 9 के पार्षद प्रत्याशी जो उनके पति हैं, उनको वीरेंद्र सिंह के ऊपर जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो उनका टिकट किया वार्ड 9 पे, तो इससे पहले देखा है तो यहाँ इस वार्ड 9 में जो है भाजपा का ही प्रत्याशी था, उसको वीरेंद्र सिंह ने जीता दिलाया था। उसको अगर देखा है तो वीरेंद्र किसी न किसी माध्यम से जो है मतलब साजिश के तहत जो वीरेंद्र को फर्जी गाना तस्करी मामले में उसको उठाया जाता, और उसको लेकर जो सोशल मीडिया पर जो पुराने वीडियो हैं उनकी छवि धूमिल करने के वायरल करे जा रहे हैं, पर वो कहीं ना कहीं देखा है तो ये गलत है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको उपेंद्र। भारत में प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एक बार फिर से बड़ा एक्शन लिया है। 5 राज्यों के 17 ठिकानों पर छापा मारा है। वहीं इन राज्यों में बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा और पंजाब शामिल है। बिहार के दरभंगा में उर्दू बाजार में डेंटिस्ट डॉक्टर सारिक रजा और शंकरापुरा में गाँव में महबूब के घर पर रेड मारी गई है। वहीं मोतिहारी के चकिया में PFI के सदस्य सज्जाद के घर टीम पहुंची। टीम यहां से सज्जाद का ID कार्ड लेकर गई है। इससे पहले NIA की टीम PFI संगठन से जुड़े सदस्यों को पिछले महीने गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई थी। वहीं PFI पर प्रतिबंध लगने के बाद NIA उससे जुड़े लोगों की तलाश में कई बार मोतिहारी आ चुकी है। लखनऊ में बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जिसके तहत 20 बीघा जमीन पर की गई अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया। बता दें कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के निर्देशों के बाद गोसाईगंज के अवैध कॉलोनी की चेकिंग की गई। इस दौरान पता चला कि गोसाईगंज में तक्ष सिटी अवैध रूप से बसाई जा रही है, जिस पर LDA का बुलडोजर चला। वहीं बता दें कि इस दौरान 20 बीघा जमीन पर की गई अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया है। ने बड़ी कार्यवाही की है, जहां पर अवैध प्लॉटिंग पर गोसाईगंज में तक्ष सिटी पर बुलडोजर चलाया गया है। तो LDA ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 20 बीघा जमीन पर की गई अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया है। तक्ष सिटी पर जो है बुलडोजर चलाया गया है। प्रशासन लगातार जो है अवैध प्लॉटिंग को लेकर कार्यवाही की गई है। LDA के उपाध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी की तरफ से निर्देश दिया गया है कि जो भी अवैध प्लॉटिंग हो उन्हें ध्वस्त किया जाए। LDA ने बड़ी कार्यवाही करते हुए गोसाईगंज में तक्ष सिटी पर बुलडोजर चलाया है। रोडवेज बसों और मेट्रो से सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। बता दें कि रोडवेज बसों और मेट्रो से सफर करने के लिए एक ही कार्ड बनेगा और उसी कार्ड के जरिए रोडवेज बस और मेट्रो से यात्री सफर कर सकेंगे। यात्रियों की सुविधा के लिए NCMC कार्ड का हुआ करार। कार्ड बनने से 16 लाख यात्रियों को लाभ मिलेगा। आज कार्ड के डिजाइन पर मंथन होगा। वहीं पेटीएम के माध्यम से कार्ड काम करेगा।
यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट आज जारी होंगे। मिली जानकारी के मुताबिक हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम आज दोपहर 1:30 बजे जारी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव दिव्यकांत शुक्ला ने ट्वीट कर नतीजे की जानकारी दी है। वहीं उन्होंने लिखा, यूपी बोर्ड परीक्षा परिणाम 25 अप्रैल यानी आज दोपहर 1:30 बजे बोर्ड मुख्यालय प्रयागराज से घोषित किया जाएगा। तो बता दें कि आज यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट और हाई स्कूल के परीक्षार्थियों का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। इंतजार अब खत्म हो चुका है। आज जितने भी परीक्षार्थी हैं उनका रिजल्ट घोषित किया जाएगा, इसकी जानकारी दिव्यकांत शुक्ला ने दी है। वहीं पर ट्वीट कर उन्होंने ये जानकारी दी है कि आज 1:30 बजे है जो है यूपी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। तो यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट और हाई स्कूल के परीक्षार्थियों का आज रिजल्ट घोषित किया जाएगा। बता दें कि 16 फरवरी और 4 मार्च के बीच जो है परीक्षा हुए थे, वहीं पर आज इन सारे विद्यार्थियों का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। बता दें कि माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव ने दिव्यकांत शुक्ला ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि आज 1:30 बजे परीक्षार्थियों के रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे। तो थोड़ी ही देर बाद 12वीं के और 10वीं के रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे। बोर्ड परीक्षा के परीक्षार्थियों का इंतजार अब खत्म हो चुका है। कुछ ही देर बाद जो है उनके परिणाम आने वाले हैं। इसकी जानकारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ला ने ट्वीट कर दी थी। थोड़ी ही देर बाद परीक्षार्थियों के रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। बता दें कि 16 फरवरी और 4 मार्च के बीच परीक्षार्थियों के परीक्षा हुए थे, जिसके बाद आज उनका रिजल्ट यानी 25 अप्रैल को रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सुल्तानपुर से आशुतोष हमारे साथ जुड़ेंगे। वहां पर जानेंगे कि क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है विद्यार्थियों के बीच में। आशुतोष, क्या कुछ देखने को मिल रहा है, क्या उम्मीद आज के रिजल्ट को लेकर विद्यार्थी लगाए हुए हैं? जी बिल्कुल, आपको बता रहे हैं आज बच्चों का काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। बच्चे इंतजार काफी देर से कर रहे हैं, जल्दी से रिजल्ट आए, और रिजल्ट आने के साथ साथ जो है अपने स्कूल में बैठे भी हैं, घर भी नहीं गए हैं। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो काफी मेहनत करने के बाद जो है ये शंका में डूबे हुए हैं, बच्चे अगर मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा फिर हम पूरी पढ़ाई मेरी खराब हो जाएगी। इसी बीच में हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे किस तरह की आप रिजल्ट को लेकर इंतजार कर रही हैं और क्या एक लोगों को आप बताएंगे। अपने पास आज हाई स्कूल इंटर का जो है रिजल्ट आ रहा है, लोगों को समाज में क्या संदेश देंगे और किस तरह का जो है आप इंतजार कर रही हैं? सबसे पहले ये बताइए, आप स्कूल के रिजल्ट का इंतजार कर रही हैं, आपके साथ साथ स्कूल के टीचर भी, प्रिंसिपल भी वो इंतजार कर रहे हैं, हमारे स्कूल का नाम रोशन हो, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? हमारे बीच जो है स्कूल के टीचर भी हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बच्चों के उत्साह को लेकर जो है क्या आप तैयारी की है और किस तरह की आप अपील करती हैं बच्चों को लेकर अपील कर रहे हैं, क्या तैयारियां हैं? तैयारियां तो हम लोग हमेशा ही कराते रहते हैं और बच्चों को लेकर के विशेष रूप से बहुत सतर्क रहते हैं। जैसे एक अच्छा किसान हमेशा अपने फसल की देखरेख करता है, तो हमारे बच्चे ही हमारी फसल हैं और हमेशा उनकी सुरक्षा, उनकी दृष्टि से, पढ़ाई के दृष्टि से हमेशा तैयारी कराना, कोर्स की जानकारी करना और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना के साथ हमेशा यही रहता है कि हमारा बच्चा अच्छा करे, अच्छा रिजल्ट आए और समाज में नाम रोशन हो, विद्यालय हमारा समाज में जाए, यही अपेक्षा करते हैं और इसी के लिए करते भी। जैसा आपने देखा और सुना, बच्चों का रिजल्ट लेकर बच्चे भी पूरे अलर्ट मूड पे हैं, स्कूल के टीचर भी अलर्ट हैं,
उनको वो भी इंतजार कर रहे हैं। हमारे स्कूल के जो भी बच्चे इंटर या मीडियट की जो हाई स्कूल की पढ़ाई किए हैं, जो रिजल्ट आने हैं, वो अच्छे ढंग से नंबर के साथ पास हो जाए और हमारे स्कूल के नाम को चर्चा का विषय बन जाए। इसी को लेकर आज हम स्कूल में आपको सारी बातें हमने सुनाई है कि सारे बच्चे यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। उनसे पूछिए कितने उत्साहित हैं, कितने प्रतिशत अंक लाने की उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल, हम आपको बात करके बताना चाहेंगे क्या है उनके मन में, किस तरीके चल रहा है। सबसे पहले आज ये बताइए, स्कूल का रिजल्ट आ रहा है, लगभग कितने परसेंट में आप जो है रिजल्ट लेके आएंगे और क्या एक उत्साह वर्धन करेंगे? 95। क्या अपील करती हैं टीचर्स से लेकर या गार्जियन से लेकर या आप अपने बच्चे स्टूडेंट में? सर, टीचर्स ने तो हमारे साथ बहुत मेहनत की है, हमारे गार्जियन ने की है, हमने भी बहुत मेहनत से पढ़ाई की है, पर परिणाम आने का इंतजार है। देखिए बच्चे इंतजार तो कर रहे हैं जी, अपील क्या करती हैं और किस तरह का जो है इंतजार को लेकर आप जैसे स्कूल का परसेंटेज जो है देखते हैं 99 हो गया, 90 हो गया, उसको लेकर क्या आप कहेंगे? बच्चों का मेहनत है और बच्चों की मेहनत के साथ हमारी यही कामना है, बच्चों को अपने परीक्षा में उनको परिणाम 100% प्राप्त। और रामराजी विद्यालय जो है ये अपनी तरफ से पूरी तरह से मेहनत कर रहा है और यहाँ का जो विद्यालय परिवार है वो बच्चों के भविष्य में पूरी तरह से ठीक। आपने सुना टीचर की बात और स्टूडेंट की बात सुना और उसके बाद ही जो है रामराजी स्कूल को लेकर एक अपना जो है संकल्प ले लिया है। हमारे बच्चे जो भी पढ़ाई कर रहे हैं हम उनकी पूरी भविष्य को जो है खराब नहीं करने का मौका भी नहीं देंगे और अच्छे ढंग से वो नंबर जो है पास हो और समाज में एक संदेश दे सके। सुल्तानपुर में कितने परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, छात्र छात्राओं ने कितनी संख्या में वहाँ पर परीक्षा दिया था? जी बिल्कुल, आपको बता रहे हैं लगभग परीक्षा केंद्र के बारे में अगर बात करती हैं, सुल्तानपुर से लेकर जो है आपकी गांव ग्रामीण तक जो है लगभग लगभग हर जगह बने हुए थे और शांतिपूर्वक ढंग से जो है यहाँ की बोर्ड की परीक्षा भी हुई थी। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं जैसे पहले होता क्या था, स्कूलों में नकल होती थी लेकिन नकल भी नहीं हो पाई है, बहुत ही अच्छे ढंग से शांतिपूर्वक ढंग से पेपर और परीक्षा को दिलाया गया है। बच्चे काफी उत्साह के साथ जो है अपनी परीक्षा को दिया है और आज उसी का ही इंतजार कर रहे हैं। हमारा जो रिजल्ट है वो अगर अच्छे ढंग से आ गया फिर हम समाज में मूवी दिखाने लगे रहेंगे और स्कूल का नाम भी रोशन करेंगे। इसके साथ ही साथ जो है तमाम तरीके की व्यवस्था लेके बच्चे अपने ये चल रहे हैं स्कूल में। चुका है, पूछे किसी छात्र ने अपना रिजल्ट चेक किया क्या? 1:30 बज चुका है जी, 1:30 तो बज चुका है, अभी तो जो है कोई छात्र रिजल्ट तो नहीं दे पाए हैं लेकिन कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है जिस दिन रिजल्ट आता है कोई ना कोई सर्वर डाउन हो जाता है, रिजल्ट देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या लगता है इस बार? देखिए हमेशा का यही विषय रहता है कि लड़के या लड़कियां कौन से लोग इस बार बाजी मारेंगे, पिछली बार तो देखिए लड़कियों ने बाजी मारी थी। जी आपका कहना बिल्कुल सही है, आजकल के जमाना जो चल रहा है लड़के 90% आगे बढ़ रही है, ठीक है, और लड़के भी कहीं ना कहीं इसका परिश्रम करते हैं। कुछ लड़के जैसे ऐसे होते हैं जो अपने माँ बाप का स्कूल के टीचर का जो है सम्मान करते हुए पढ़ाई करते हैं लेकिन पढ़ाई के साथ साथ जो है उनका भी एक फल मिलता है, अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, यही टीचर का भी कहना होता है, यही गार्जियन का भी कहना होता है। बच्चे अगर आप अपनी पढ़ाई अच्छी ढंग से करोगे तो वो आगे बढ़ते जाओगे, वो आपका नाम रोशन करेगा। जी बिल्कुल आशुतोष, नजर बनाए रखिए, हम आपसे आगे अपडेट लेते रहेंगे, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पर अब जो है इंतजार खत्म हो चुका है, यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट जो है घोषित कर दिया गया है। यूपी बोर्ड का आज परीक्षा जो है परिणाम घोषित कर दिए गए हैं, 1:30 बज चुके हैं, बताया गया था कि 1:30 बजे जो है छात्र छात्राओं के परीक्षा का रिजल्ट जो है घोषित कर दिया जाएगा। तो परीक्षा का रिजल्ट जो है यूपी बोर्ड के आ चुका है, आपको बता दें कि इंटरमीडिएट और हाई स्कूल के बच्चों का जो है आज रिजल्ट घोषित होना था, 1:30 बजे बताया गया था कि बच्चे जो है अपनी वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। तो इंतज़ार खत्म हो चुका है और हमारे साथ कानपुर के संवाददाता उपेंद्र अस्थाना जुड़ेंगे कानपुर से। उपेंद्र, क्या कुछ वहाँ माहौल देखने को मिल रहा है विद्यार्थियों में, किस तरीके की, क्योंकि रिजल्ट घोषित कर दिया गया है आज?
जी मुझे आपको बताया कि उत्तर प्रदेश जो है माध्यमिक शिक्षा परिषद जो है उनका हाई स्कूल का और इंटर का जो रिजल्ट आना था उसको जो इंतजार छात्रों के बीच में काफी दिनों से चल रहा था वो इंतजार जो आज देखा तो पूरी तरह से खत्म होता नजर आ रहा सामने। पर अभी जो बच्चों ने एग्जाम दिया है उन बच्चों ने जो 1:30 बजे जो सरकार द्वारा जो टाइमिंग दी गई थी वेबसाइट अपलोड कर दी जाएगा वही बच्चों ने जो है अब रोल नंबर डालना चालू किया है। अभी साइट जो है थोड़ी बिजी बता रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं देखा जाए तो पिछले साल जो अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो कानपुर में ये जो स्कूल बना हुआ है जिसे दिखा रहे हैं आपको ये स्कूल को सिवा कर्मयोगी विद्या निकेतन इस पर जो पिछले साल जो लड़की थी वो कानपुर में टॉप की अव्वल थी और देखा जाए कहीं ना कहीं और यहाँ पे पिछले साल की अपेक्षा अगर देखा जाए तो इस साल जो है जो जो लड़कियाँ हैं वो पहले से ज्यादा लड़कों से ज्यादा लड़कियाँ जो है अव्वल आएंगी। तो वहीं पे देखिए पिछली बार भी जो कानपुर के लड़के लड़कियों ने बाजी मारी थी क्या लगता है इस बार भी कानपुर के ही लड़के लड़कियां बाजी मारेंगे? जी मैं आपको बता कि अगर देखा जाए कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कानपुर कहीं ना कहीं दिखा है तो IIT क्षेत्र हो चाहे सिविल इंजीनियरिंग क्षेत्र हो इस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं एजुकेशन जो है कानपुर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जो बच्चे आजकल इंटर बच्चे देखने निकल रहे हैं वो बच्चे IIT या ITI के ट्रेन को लेकर या पॉलिटेक्निक या MBA के स्टूडेंट को या BTech के स्टूडेंट बन गए इसी स्कूल से कई बच्चे जो है टॉप के इंजीनियर बन के यहाँ से निकले हैं। स्कूल में बहुत से छात्र छात्राएं मौजूद रहेंगे आज वहां पर अपनी खुशियां बांटने के लिए शिक्षकों के साथ स्कूल के साथ ताकि वो जो रिजल्ट घोषित हुआ है उसके साथ जो अंक परिणाम आए हैं उनके साथ अपनी खुशियां बांट सके। तो आप स्कूल में उपस्थित हैं तो क्या कुछ वहां पर नज़ारे देखने को मिल रहे हैं? जी अगर देखा है तो स्कूल में उपस्थित हूँ देखा तो कहीं जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट के जो अभ्यर्थी जो स्टूडेंट थे उनको पूरी तरीके से जो टाइमिंग जो है वो 2:30 बजे दी गई थी पूरी तरीके से सेलिब्रेशन जो है स्कूल प्रशासन करेगा माला पहना के सम्मानित करके और देखा है तो मुंह मीठा करा के उनके बच्चों को जो है हौसले बुलंद करेगा और बच्चों को आगे की गाइडलाइन जारी जो आगे टीचर है वो देंगे कि किस तरीके से बच्चे जो है वो आगे के लिए किस तरीके से अपडेट हो और किस क्षेत्र में कौन सा बच्चा क्या जाना जाता है उसको लेकर कुछ बच्चे जो है वो अपनी अपनी जो है मोनोपोली जो है वो आएगी स्कूल की वो बताया जाएगा कि किस तरीके से जो है बच्चे जो है बताएंगे यहाँ पे अभी क्योंकि वो कहीं ना कहीं देखा तो टाइम जो है वो थोड़ा सा लेट हो रहा है क्योंकि वेबसाइट जो है वो लगातार बिजी है अभी। कोविड के बाद ऐसा पहला ये रिजल्ट जारी किया जाएगा जहां पर स्टूडेंट स्कूल में जाकर उन्होंने पढ़ाई की है परीक्षा केंद्र पर जाकर उन्होंने अच्छे तरीके से परीक्षा दिया है तो कोविड के बाद कहीं ना कहीं पहले जैसा वो माहौल देखने को मिलेगा इस बार भी। जी बिल्कुल बताते कोविड पर जो कोविड के बाद अगर देखा तो जो स्टूडेंट एग्जाम दिए थे वो स्टूडेंट जो एग्जाम पूरी कर दिया उनका रिजल्ट 100% रिजल्ट भी आया था और पिछले साल की जो देखा जाए तो कहीं ना कहीं लड़कियां जो अव्वल आई थी आने चल करके। पर आप जो इस साल की बात की जाए तो हाई स्कूल इंटरमीडिएट के जो बच्चे थे वो टोटल जो है सारे परीक्षा केंद्रों पर CCTV फुटेज थे क्योंकि देखा है तो निष्पक्ष जो देखा पूरी तरीके से जो है जो एग्जाम दिया गया था वो पूरी तरीके से पाक साफ और देखा तो कैमरे निगरानी में और शिक्षा अधिकारी जो है पूरी तरीके से परीक्षा प्रणाली को मॉनिटरिंग सीधा कर रहे थे। नकल विहीन परीक्षा कराने की बात कही गई थी लगातार और शिक्षा मंत्री ने गुलाब देवी जो है ट्वीट कर बच्चों को बधाई भी दी है तो क्या लगता है कानपुर में भी इस बार जिस तरीके से पिछली बार का रिजल्ट आया था वैसा कुछ देखने को मिल रहा है? बिल्कुल मयूर आपको पता चला कि कानपुर में पिछली बार की अपेक्षा इस बार जो है देखा जाए कहीं ना कहीं जो कानपुर का रिजल्ट है वो पूरी तरीके से और अच्छा आएगा क्योंकि पिछले की अपेक्षा जो इस बार जो बच्चे सेंसियर बच्चे जो पढ़ाने वाले बच्चे थे उनको जो दिख रहा है कि बिल्कुल पूरी तरीके से जो CCTV कैमरे की निगरानी में परीक्षा दी है उससे बच्चों के जो हौसले होगा वो दिखाए तो कहीं ना कहीं एजुकेशन जो है एक उसका लेवल जो है वो क्लियर हो जाएगा सामने। उपेंद्र कानपुर में इस बार कितने परीक्षा केंद्र बनाए गए थे कितने छात्र छात्राओं ने परीक्षा दिया था जिनका आज परिणाम आ चुका है? जी अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से आज जो कानपुर में देखा जाए तो लगभग जो है परीक्षा केंद्र जो बनाए गए थे वो नकलविहीन के अलावा जो परीक्षा केंद्र है वो 71 जो है 71 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। इसको लेकर के देखा जाए कहीं ना कहीं BSA ने 16 सदस्यीय टीम बनाई थी जिसको लेकर स्क्वाड बनाया गया था जो भी मौके मौके पर जाकर के बच्चों को जो है मॉनिटरिंग कर रहे थे किस तरीके से कोई नकल ना हो। इसको लेकर देखा जाए तो आज जो इंटरमीडिएट और हाई स्कूल के बच्चों को लेकर देखा जाए तो 1.25 लाख स्टूडेंट जो है कानपुर में जो है एग्जाम दे रहा था। आप जिस स्कूल में उपस्थित हैं वहां पर क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है क्या विद्यार्थी वहां पर आ जा रहे हैं? जी अगर देखा है तो हाँ जी बिल्कुल बता चला जिस स्कूल में बैठा हूँ ये स्कूल जो है कानपुर का टॉप का स्कूल है और यहाँ जो विद्यार्थियों के जो स्टूडेंट है उनको जो टाइमिंग दी गई है वो 2:30 बजे की टाइमिंग दी गई कि पूरी तरीके से बच्चों का जो है मनोबल बढ़ाया जाएगा पूरा सम्मान किया जाएगा उसको लेकर के इसलिए रिजल्ट को लेकर के जो स्कूल प्रशासन है वो लगातार जो है उसकी वेबसाइट को जा करके पूरी तरीके से मॉनिटरिंग कर रहा है कि कितने स्टूडेंट किस तरह नंबर पे हैं किससे का मैथ पे कोई फिजिक्स है कोई साइंस है इसको लेकर कहीं ना कहीं देखा है तो टॉप लिस्ट की स्कूल तैयारी कर रही है लिस्ट की।
यूपी बोर्ड की परीक्षा का रिजल्ट जारी हो चुका है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका उपेंद्र। इंटर बोर्ड परीक्षा की जो है आज रिजल्ट घोषित हो चुका है, 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो इंतजार खत्म हुआ, 16 फरवरी से 4 मार्च के बीच परीक्षा कराई गई थी, जहां पर आज उसका रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परिषद की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था, आज 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। यूपी बोर्ड परीक्षा में 89.78% छात्र छात्राएं, इंटर बोर्ड परीक्षा में 75.82% छात्र छात्राएं जो हुए पास हुए हैं। यूपी और 10वीं की परीक्षा प्रियांशी सोनी जो है टॉप की हैं, तो प्रियांशी सोनी इस बार की यूपी बोर्ड परीक्षा की टॉपर बनी है। आपको बता दें कि हाई स्कूल में लड़कियों ने फिर से एक बार बाजी मार ली है, 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें से लड़कियों ने एक बार फिर से बाजी मारी है। वहीं पर प्रियांशी सोनर जो है टॉप की है, यूपी बोर्ड परीक्षा में 89.78% छात्र छात्राएं पास हुए हैं, इंटर बोर्ड परीक्षा में 75.52% छात्र छात्राएं जो हुए पास हो चुके हैं। वहीं पर लड़कियों ने एक बार फिर से बाजी मारी है, प्रियांशी सोनी ने टॉप किया है यूपी बोर्ड की 10वीं परीक्षा में। 10वीं परीक्षा में प्रियांशी सोनी ने टॉप किया है, हाई स्कूल में एक बार फिर से लड़कियों ने बाजी मारी है। तो वहीं पर आज यूपी बोर्ड का 10वीं और 12वीं इसके बाद जो भी आपको दूसरी चीजें बहुत बड़ी आपके सामने रखना चाहता हूँ, सरकारी निर्देश का सभापति महोदय का आपको यकीन बताना चाहता हूँ कि 100 वर्षों में पहला अगर ना करने से भी एक भी ऐसा रिजल्ट नहीं है तो इनकम्प्लीट हो, अपूर्ण हो, सारे रिजल्ट पूर्ण है। और इसके पहले कभी कभी कुछ रिजल्ट अपूर्ण इसलिए रह जाते थे, उसमें जो दिक्कतें होती थी। इस बार हम लोगों ने प्रयास करके सर्किल रेगुलेशन में काम किया, पूरा 100% रिजल्ट पूरा कम्प्लीट किया। विमान से इसके बाद जो भी समस्याएं आई थी बच्चों के लिए और के लिए आप
हाई स्कूल में वो 1197 है और इंटरमीडिएट में 432 बच्चे हैं काफी। Thank you.
जेल से कितने लोग पास हुए? सर जेल वाला भी डिटेल बता दें। नीचे बैठ जाइए, हमारे ट्राइपॉड वाला लगा दें लाइव है, काम का काम का कभी टेढ़े लगा दें नीचे से नहीं, काम का तो कैसे खड़ा कर दें बस थोड़ा सा लाइव कट रहा है। अरे उनका वहीं खड़ा कर, मेरा कट रहा है। जेल से हाई स्कूल से कितने लोग थे और इंटर के कितने लोग थे जेल से जिन्होंने परीक्षा दी? वही बात, जेल से 79 और 10वीं की यानी कि हाई स्कूल की परीक्षा में प्रियांशी सोनी टॉपर बनी है, वहीं पर 12वीं यानी कि इंटरमीडिएट की परीक्षा में शुभ छापरा टॉपर बनी है। तो लड़कियों ने एक बार फिर से अपना दबदबा बनाए रखा, पिछली बार लड़कियों ने बाजी मारी थी, इस बार भी लड़कियों ने बाजी मार ली है। 10वीं की परीक्षा में प्रियांशी सोनी टॉपर बनी है। ऐतिहासिक रहा है और सबसे बढ़िया रिजल्ट आया है।
बढ़िया रिजल्ट हमेशा आते हैं, बट इस बार सबसे शुरू समय बच्चों के खेल में जितना बढ़िया हो सकता था रिजल्ट और इंटरमीडिएट में बहुत बात कितना परसेंट रिजल्ट रहा है हाईस्कूल का? हाईस्कूल का रिजल्ट आपका 89.78, इंटरमीडिएट का 75.52, बालकों का इंटरमीडिएट में है 69.32 और बालिकाओं का 83%, लड़कियों का परसेंट ज्यादा है। हाईस्कूल का 89.78 टोटल है और इसमें जो बच्चियों का परसेंट लड़कों का और लड़कियों का अलग अलग, बालकों का 86.64 है और बालिकाओं का 93.3। इस बार यूपी बोर्ड में क्या उपलब्धियां हुई है, बिना नकल के किस तरह से एग्जाम कराया गया, क्या पूरा? ये तो आपको पता है कि 20 साल के बाद उन लोगों ने बिना किसी उत्तर परीक्षा के, बिना किसी पेपर के वायरल के उत्तर परीक्षा कराई है। और सर सेंट्रल जेल, सेंट्रल जेल से कितने कैदियों ने दे दिया जाने दे दिया है? ठीक, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा का रिजल्ट आज जारी कर दिया गया है। वहीं पर 10वीं और 12वीं की परीक्षा रिजल्ट में लड़कियों ने एक बार फिर से बाजी मारी है। वहीं सीतापुर से प्रियांशी सोनी ने 10वीं में टॉप किया है, तो वहीं पर शुभ छापरा जो है इंटरमीडिएट की परीक्षा में बाजी मारते हुए नजर आई हैं। एक बार फिर से लड़कियों ने अपना जलवा कायम रखा। आज इंटरमीडिएट की परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। यूपी बोर्ड में 10वीं और 12वीं का परीक्षा का रिजल्ट आज जारी कर दिया गया, जिसमें लड़कियों ने एक बार फिर से बाजी मारी है। 10वीं की बात करें तो प्रियांशी सोनी अयोध्या से टॉप की हैं। वहीं पर कुशाग्र पांडे जो है कानपुर देहात से दूसरे नंबर पर आए हैं। और वहीं पर इंटरमीडिएट की बात करें तो इंटरमीडिएट में शुभ छापरा ने बाजी मारी है। बता दें कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से 10वीं और 12वीं परीक्षा का परिणाम जो है आ चुका है। बता दें कि 10वीं में जो है लड़कियों ने फिर से बाजी मारी है। प्रियांशी सोनी जो है 10वीं की टॉपर बनी, वहीं पर इंटरमीडिएट की शुभ छापरा जो है इस बार टॉपर बनी है। तो लड़कियों ने एक बार फिर से बाजी मार ली है। वहीं पर बात करें तो एक बार फिर से लड़कियों ने बाजी मारते हुए अपना जलवा कायम रखा। सीतापुर के प्रियांशी सोनी हाई स्कूल में टॉपर हैं, दूसरे नंबर पर कानपुर देहात के कुशाग्र पांडे हैं। तो इंटरमीडिएट यानी कि इंटरमीडिएट 12वीं में जो है शुभ छापरा ने बाजी मारी है। तो यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा का परिणाम आज आ चुका है, जहां पर लड़कियों ने अपना जलवा कायम रखा। प्रियांशी सोनी जो है 10वीं की टॉपर बनी, तो वहीं 12वीं की टॉपर शुभ छापरा बनी है। आपको बता दें कि हाई स्कूल में लड़कियों ने एक बार फिर से बाजी मारी है। हाई स्कूल में प्रियांशी सोनी जो है टॉपर बनी है। वहीं 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। 12वीं की परीक्षा में जो है 12वीं की परीक्षा में शुभ छापरा ने बाजी मारी है। यूपी बोर्ड परीक्षा में 89.78% जो है छात्र छात्राएं पास हुए हैं। इंटर बोर्ड परीक्षा में 75.52% छात्र सफल हुए हैं। इंटरमीडिएट की बात करें तो परीक्षा में शुभ छापरा टॉपर बनी है। महोबा की रहने वाली हैं शुभ छापरा, जो कि इस बार की इंटरमीडिएट की टॉपर बनी है। लड़कियों ने एक बार फिर से बाजी मारी है। पिछले बार कानपुर की देहात की लड़कियों ने बाजी मारी थी, इस बार हाई स्कूल की टॉपर बनी है प्रियांशी सोनी, जो कि सीतापुर की रहने वाली हैं। वहीं शुभ छापरा महोबा की रहने वाली, जो कि इंटरमीडिएट की परीक्षा की टॉपर बनी है। 16 फरवरी से 4 मार्च के बीच परीक्षा हुआ था, जिसका आज रिजल्ट यानी 25 अप्रैल को रिजल्ट घोषित कर दिया गया है, जिसमें लड़कियों ने एक बार फिर से बाजी मारी है।
यूपी बोर्ड परीक्षा में बात करें तो 75.52% छात्र छात्राएं पास हुए हैं। इंटर की परीक्षा में शुभ छापरा जो है 12वीं की टॉपर बनी है, वहीं प्रियांशी सोनी 10वीं की टॉपर बन चुकी हैं। तो आज यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित 10वीं 12वीं बोर्ड का परीक्षा का रिजल्ट जो है घोषित कर दिया गया है, जिसमें लड़कियों ने एक बार फिर से बाजी मारी है। यूपी बोर्ड की परीक्षा में 89.78% छात्र छात्राएं पास हुए हैं। इंटरमीडिएट की परीक्षा में शुभ छापरा जो है टॉप की है, इस बार लड़कियों ने फिर से बाजी मार ली है। 10वीं की परीक्षा में प्रियांशी सोनी जो है टॉप की है। यूपी बोर्ड हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट परीक्षा 2023 का रिजल्ट जो है जारी कर दिया गया है, जिसमें एक बार फिर से लड़कियों ने बाजी मारी है। 10वीं की बात करें तो प्रियांशी सोनी जो है सीतापुर से टॉपर बनी है, वहीं पर कुशाग्र पांडे जो है दूसरे नंबर पर आए हैं और इंटरमीडिएट परीक्षा में शुभ छापरा टॉपर बनी है। तो यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा का रिजल्ट जो है घोषित कर दिया गया है, जिसमें लड़कियों ने एक बार फिर से बाजी मारी है। सीतापुर की प्रियांशी सोनी को 600 में से 590 अंक मिले हैं, जिसके बाद वो सीतापुर से टॉपर बनी है। हाई स्कूल में लड़कियों ने एक बार फिर से बाजी मारी, प्रियांशी सोनी ने टॉप किया है, 600 में से 590 अंक उनको मिले हैं। तो हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़ेंगे लखनऊ से। आज इंटरमीडिएट और हाई स्कूल की परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, जहां पर वहां पर कई स्टूडेंट्स जो हैं मौजूद हैं। क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? परीक्षा का रिजल्ट आ चुका है विभांशु। जी नंदनी, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे आ गए हैं। ठीक सामने आप देख रहे हैं कि तमाम छात्र जो पास हुए हैं वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। एक बार फिर बालिकाओं ने ये 10वीं और 12वीं के एग्जाम में बाजी मारी है। आपको बताएं कि हाई स्कूल में बालकों की अगर बात करें तो 8664 यानी कि बालिकाओं ने 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा है उसमें बाजी मारी है। और यहाँ देख सकती हैं कि वजह डिग्री कॉलेज के अंदर में जो छात्र हैं वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और इनको स्कूल प्रशासन की तरफ से कहीं ना कहीं मिठाई खिलाकर और मालाओं से उन्हें कहीं ना कहीं उन्हें शुभकामना देने के लिए उनके छात्रों के साथ उनके शिक्षक भी मौजूद हैं। हम छात्रों से बात करेंगे और साथ ही साथ उनको कहीं ना कहीं विभांशु से हमारा संपर्क टूट गया है, दोबारा उनसे प्रयास करेंगे। वहीं पर आज हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट की परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। तमाम स्कूलों में खुशी का माहौल है, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई जा रही हैं, बच्चों को माला पहनाकर उन्हें शुभकामनाएं दी जा रही हैं। तो एक बार फिर से लड़कियों ने जो है बाजी मारी है इंटरमीडिएट की परीक्षा और हाई स्कूल में। हाई स्कूल में प्रियांशी सोनी ने टॉप किया है, तो वहीं पर इंटरमीडिएट में जो है शुभ छापरा इस बार की टॉपर बनी है। तो लड़कियों ने एक बार फिर से बाजी मार ली है। एक बार फिर से हम विभांशु की तरफ रुख करेंगे।
विभांशु, क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है वहाँ पर? आज सम्मान दिया जा रहा है और यह सम्मान है, साथ ही कई कई अभी बालिकाएं की और कम से भारत के अहम निर्माण भारत हुए नजर आएंगी। सबसे पहले विभांशु, आपकी आवाज जो है हमें साफ तौर पर सुनाई नहीं दे रही है, हम आपसे दोबारा प्रयास करेंगे। विभांशु की तरफ एक बार फिर से रुक करते हैं, वहां पर देखिए वो विद्यार्थियों के बीच में मौजूद हैं जिनका आज परिणाम घोषित हो चुका है। तो इंटरमीडिएट और हाई स्कूल परीक्षा का परिणाम आ चुका है। अलग अलग जगहों से स्कूलों पर आज विद्यार्थियों और शिक्षकों का तांता लगा हुआ है, वो विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दे रहे हैं। वहीं एक बार फिर से लड़कियों ने बाजी मारी है, दसवीं में प्रियांशी सोनी ने टॉप किया है तो बारहवीं में शुभ छापरा जो है बारहवीं की टॉपर बनी है। इंटर बोर्ड परीक्षा की बात करें तो 75.52% छात्र छात्राएं जो सफल हुए हैं। एक बार फिर से लड़कियों ने बाजी मारी, शुभ छापरा जो है इंटरमीडिएट की टॉपर बनी है और सीतापुर से प्रियांशी सोनी हाई स्कूल की टॉपर बनी है। वहीं दूसरे नंबर पर कुशाग्र पांडे हैं जो कानपुर देहात से हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से दसवीं और बारहवीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम जो है आ चुका है। इस बार लड़कियों ने फिर से बाजी मारी है। बता दें कि सीतापुर की प्रियांशी सोनी हाई स्कूल में टॉपर है, दूसरे नंबर पर कानपुर देहात के कुशाग्र पांडे हैं और वह इंटरमीडिएट की परीक्षा की टॉपर शुभ छापरा बनी जो कि महोबा से है। सीतापुर की प्रियांशी सोनी को 600 में से 590 अंक मिले हैं जिससे वो इस बार के हाई स्कूल की टॉपर बनी। वहीं एक बार लड़कियों ने फिर से बाजी मारते हुए दसवीं की परीक्षा में प्रियांशी सोनी ने टॉप किया है। इंटरमीडिएट की परीक्षा में शुभ छापरा टॉपर बनी है। तो लगातार खुशियों की और शुभकामनाएं की बधाई शुरू हो चुकी है। अलग अलग स्कूल्स में छात्र वहां पर पहुंच चुके हैं अपने शिक्षकों का आशीर्वाद लेने के लिए, उनसे अपने आगे वाली आने वाली जिंदगी के लिए शुभकामनाएं लेने के लिए। तमाम स्कूलों में हमने देखा कि वहां पर छात्र छात्राएं जो मौजूद हैं एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे हैं, उन्हें सम्मानित कर रहे हैं, अपने टीचर्स का आशीर्वाद लेने के लिए वो अपने स्कूल में पहुँच चुके हैं। इस बार तमाम शक्ति के साथ जो है 16 फरवरी से लेकर 4 मार्च तक परीक्षा कराए गए थे। नकल विहीन परीक्षा कराए जाने की बात थी और तमाम जो सेंटर जो परीक्षा केंद्र थे सीसीटीवी की नज़र में इस बार की परीक्षा को कराया गया था। तो वहीं पर आज इंतज़ार खत्म हो चुका है, विद्यार्थियों का रिजल्ट घोषित कर दिया गया। लड़कियों ने एक बार फिर से बाजी मार ली है, हाई स्कूल की टॉपर प्रियांशी सोनी बनी है तो वहीं इंटरमीडिएट की टॉपर शुभ छापरा बनी है।
पिछले साल की बात करें तो लड़कियों ने एक बार फिर से पिछले साल भी लड़कियों ने बाजी मारी थी, इस साल भी लड़कियों ने ही बाजी मारी है। दसवीं और बारहवीं का रिजल्ट जारी हो चुका है। एक बार फिर से रुक करते हैं विभांशु की तरफ। विभांशु, क्या कुछ वहां पर माहौल देखने को मिल रहा है? जी, आपको बता दें कि अगर बात करें तो इस नतीजों के बाद जहां हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में बालिकाओं ने कहीं ना कहीं अव्वल दर्जे का परफॉर्मेंस किया है, और इसको लेकर अगर कहीं ना कहीं देखें तो छात्रों के आप चेहरे के भाव से समझ सकती हैं कि ये काफ़ी उत्साहित हैं, और कहीं ना कहीं इनके कड़ी मेहनत का नतीजा है कि आज ये अव्वल दर्जे से पास हुई हैं, और स्कूल प्रशासन की तरफ से इन छात्राओं को फूल मालाओं से स्वागत किया गया है। स्कूल प्रशासन की तरफ से इन्हें मिठाइयाँ खिलाई गई हैं और उज्जवल भविष्य की शुभकामना दी गई है। हमारे साथ मौजूद हैं इस स्कूल की डायरेक्टर, जिनके अथक प्रयासों के बाद एक बेहतर रिजल्ट आया है, हम इनसे भी बात करेंगे। मैम, सबसे पहले आपका प्राइम टीम बहुत बहुत स्वागत। हमें ये बताएं कि इन छात्रों पे कितनी मेहनत की गई है और नतीजे कहीं ना कहीं आपकी मेहनत का नतीजा है कि ये छात्र अव्वल दर्जे से पास हुए हैं। हम सभी छात्र छात्राओं को बहुत बहुत बधाई देते हैं, अपने शिक्षकों को बधाई और धन्यवाद दोनों देते हैं, क्योंकि हमारे गार्जियन, हमारे शिक्षक और हमारे बच्चों की ही मेहनत का परिणाम है जो रजत कॉलेज इतना बड़ा जश्न मना रहा है। आप देख रहे सब तरफ बच्चे कितने खुश हैं, उनकी चेहरे की खुशी, ये हमारे बच्चे रजत कॉलेज के भविष्य हैं, पूरे संसार के, पूरे देश के भविष्य है ये बच्चे। जी बिल्कुल, ये कल के कहीं ना कहीं एक नए भारत के निर्माण में अहम योगदान निभाएंगे। कितनी तैयारियां आप लोग की तरफ से कराई गई, एक बार फिर वजह डिग्री कॉलेज एक बेहतर प्रदर्शन किया है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के अंदर में, तो छात्रों को क्या विशेष तरह से आप लोग तैयारी कराते हैं? देखिए, रजत कॉलेज के न्यू ये बच्चे हैं, रजत कॉलेज के भविष्य बच्चे हैं, इसलिए हम लोग बच्चों के लिए पूरा तन मन से जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम इनकी प्रॉब्लम हो, जब मैक्सिमम से मैक्सिमम इनके ऊपर हम लोगों का फोकस रहता है कि बच्चे जिस भी स्ट्रीम में हैं उस स्ट्रीम में अपना करियर बनाएं, और उसके लिए हम लोग न्यू से ही इन बच्चों की मजबूती के साथ तैयारी कराते हैं और पूरा का पूरा समय भी देते हैं। यहाँ के बच्चे बताते हैं कि आप एक माँ की तरह उन्हें दुलारती हैं, उन्हें समझाती हैं, उन्हें उज्जवल भविष्य की कामना भी देते रहती हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों को देखा जाए तो एक बेहतर रिजल्ट आया है, तो इनके अभिभावकों की क्या प्रतिक्रिया है? अभिभावक हमारे बहुत खुश हैं, कुछ अभिभावक तो खुशी के आंसू आ रहे हैं उनके, खुशी से रो रहे हैं, खुशी के मारे वो इतने अपने आप उनके आंसू निकल। देखिए, कॉलेज का जो प्रिंसिपल होता है, जो डायरेक्टर होता है, बेटियां वैसे भी दिल के करीब होती हैं, ये बेटियों की खुशी देख करके मन बहुत गदगद है, क्योंकि हम लोगों को हमेशा एक माँ के रोल में रहना होता है। शिक्षक जो होता है वो कभी शिक्षक के रोल में रहता है, कभी माँ के रोल में रहता है, क्योंकि शिक्षक का रोल बहुत अहम होता है और उसके बहुत सारे रूप होते हैं। आखिरी सवाल, आप भी महिला हैं और इन बालिकाओं ने एक बार फिर हाई स्कूल और इंटर के अंदर में अपना परचम बुलंद किया है, कैसे देखती हैं इस परिणाम को आप? देखिए, ये बच्चियाँ हमारी केवल रजत कॉलेज का नहीं, इस देश के भविष्य हैं। ये हाई स्कूल इंटर में जो बच्चे जितने पूरे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से उत्तीर्ण हुए हैं, ये पूरे देश के भविष्य हैं। हमें इस भविष्य को, इस कंधे को इतना मजबूत कर देना है कि कल को इनके ऊपर कोई भी जिम्मेदारी पड़े, अपने जिस भी चीज़ को करना चाहे उसको सरलता से कर सके। तो आप देख सकती हैं कि यहाँ वजह डिग्री कॉलेज की डायरेक्टर हैं, इनका साफ तौर पे कहना है नंदिनी कि एक परिवार के जैसे ये बच्चों को यहाँ पे शिक्षण देती हैं और समय समय पर मार्गदर्शन देते हुए नजर आती हैं। हमारे साथ यहाँ कुछ छात्राएं हैं जो अव्वल दर्जे से पास हुई हैं, इनसे भी बात करेंगे। नंदिनी, सबसे पहले बेटा आप अपना नाम बताएं और कितने परसेंटेज आए आपके? जी, मेरा नाम रोहिता राजन सिंह है और मेरी परसेंटेज है 89.4। इस प्रदर्शन पर आप किसे श्रेय देना चाहेंगी, किसके मेहनत की बदौलत? क्योंकि छात्र के जीवन में कहीं ना कहीं शिक्षक और अभिभावक का एक बहुत बड़ा योगदान होता है, कैसे योगदान को देखती हैं? जी, मतलब योगदान तो सबका है, जैसे मेरी फैमिली का भी है, टीचर्स का भी है, और टीचर्स का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो एकेडमिकली भी बहुत हेल्प करते हैं, पर्सनली भी बहुत हेल्प करते हैं। एकेडमिकली का मतलब है कि वो डाउट क्लियरिंग में, और जैसे कि कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ आए तो भी वो बहुत ही हेल्प करने के लिए, बहुत ही अप्रोच उनकी होती है अच्छी। और पर्सनली की बात करें तो फिर जैसे कि अपना कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, लो कॉन्फिडेंस है, या फिर काम नहीं रख पा रहे हैं, एनजाइटी है, पेपर पैनिक जैसे होता है, तो फिर वो उन्होंने बहुत ही अच्छे से हैंडल करना मुझको सिखाया है, उन्होंने इतने मॉक लिए मेरे। आगे जाके क्या करना है आपको? जी, आगे मुझको डॉक्टर बनना है, और अभी मुझको डॉक्टर ही बनना है, तो फिर वो मेरा मेन पर्पज है।
जी नंदनी, तो आप साफ तौर से सुन रही थी छात्राओं को, जिनका कहना है कि कहीं ना कहीं शिक्षकों के अथक प्रयास और साथ ही अभिभावकों के प्रयास की वजह से का नतीजा है कि वो बेहतर रिजल्ट लेकर आए हैं। और यहाँ मैं जिस छात्रा से बात कर रहा था, उनका साफ तौर पे कहना है कि आगे चलकर वो चिकित्सा के क्षेत्र में काम करते हुए नजर आएंगे। नंदनी, बोर्ड का परीक्षा होता है वो कहीं ना कहीं सिर्फ बच्चों का ही नहीं, शिक्षकों का भी होता है, उन माता पिता का भी होता है जो एक साल से बोर्ड परीक्षा के पीछे अपनी मेहनत लगाते हैं। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो अभिभावकों के साथ साथ जो स्कूल के शिक्षक होते हैं उनके भी एक अथक प्रयासों का नतीजा है कि इतने बेहतर नतीजे आए हुए हैं। अगर बात की जाए तो 100 साल के यूपी बोर्ड के इतिहास में पहली दफ़ा इतने तेज़ी से नतीजे आए हैं। वहीं बेसिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी की तरफ से लगातार इस बात पर कहा जा रहा था कि नकल विहीन पेपर करवाएंगे और इस बार नतीजे समय से पहले आएंगे, जिसका नतीजा आप देख सकते हैं कि लगभग अगर बात करें तो हाई स्कूल हो या इंटर हो, दोनों क्लासों में 12वीं और 10वीं में बालिकाओं ने बाजी मारी है। और इससे कहीं ना कहीं ये कल के भविष्य है, अब देखने वाली बात ये होगी कि ये छात्र आगे चल के नए भारत का और भारत के कहीं ना कहीं विकास में कैसे अपना योगदान देते हैं। जी कहीं ना कहीं जो उसके परिणाम है वो नजर आ रहे हैं। कोविड के पहले देखिए, वहीं पर बच्चों को वहां पर परीक्षा केंद्र में तमाम तरह के वहां पर लगाए गए थे कि मास्क पहन के जाना है, तमाम तरीके। कोविड में कहीं ना कहीं बच्चे जो है एक उस अलग लेवल से स्ट्रेस से गुजर रहे थे, ये पहला परिणाम होगा जो कोविड के बाद का है। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो कोविड के दृष्टिगत देखते हुए स्कूलों को पहले से ही अलर्ट किया गया था कि छात्रों को मास्क पहनकर स्कूल में परीक्षा देने आना होगा। परीक्षा केंद्रों के बाहर सैनिटाइजर की भी व्यवस्था की गई थी, मगर बात करें तो कोविड का जो पहले की स्थिति थी उसके अगर तत्कालीन स्थिति को तुलना करके देखें तो कहीं ना कहीं अब स्थिति सुधार में है। और आप यहाँ तस्वीरों में देख सकती हैं कि जो छात्राएँ हैं वो उत्साहित हैं, और जिसका नतीजा है कि वो आज इन फूल मालाओं से स्वागत और सम्मान पाई हुई हैं। अगर बात की जाए नंदनी, तो हाई स्कूल के अंदर में 89% का रिजल्ट बना है, जिसमें बालकों के द्वारा 86% और साथ ही साथ बालिकाओं ने बाजी मारते हुए 93% रिजल्ट हासिल किया है। साथ ही अगर इंटर की बात की जाए तो इंटर के अंदर में 75% का रिजल्ट बनते हुए नजर आया है, जहां बालकों की बात करें तो 69% और बालिकाएं 83% के साथ अपना रिजल्ट में पास हुई हैं। या तस्वीरों में आप, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा विजय जी से कि एक बार आपको जम करके दिखाएं कि यहाँ बालकों के जो तमाम बालिकाएं हैं उनको, उनके परिजन, उनके रिश्तेदार, उनके चाहने वाले दोस्त और परिवार के लोगों के विशेष आ रहे हैं। और यहाँ तस्वीरों में साफ देख सकती है कि एक बालिका है जो अपने रिजल्ट से खुश होकर जो उनके बधाइयाँ आ रही हैं उसको लेकर काफ़ी भावुक नजर आ रही हैं। हम कुछ और छात्राओं से बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि उनके मुताबिक क्या कहना है। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। कितना रिजल्ट आया आपका? जी मेरा फर्स्ट डिवीजन आया है। फर्स्ट डिवीजन आया है, आगे चल के क्या करना बेटा आपको? बीएससी नर्सिंग। अगर बात की जाए तो आप बेहतर नतीजों से पास हुई हैं, बेहतर रिजल्ट आया है, किसको श्रेय देना चाहेंगे इसका? अपने और टीचर्स को। अपने टीचर्स को। अगर बात की जाए तो टीचर्स आपके पीछे सालों मेहनत करते हैं, जिसका नतीजा है कि आप लोग बेहतर रिजल्ट ले आए हैं, बेहतर परिणाम के साथ पास हुए हैं, क्या कहेंगे शिक्षक और अपने अभिभावकों के लिए? हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि पास हो गया है, इतनी मेहनत के बाद इतनी अच्छी परसेंटेज आई है, बस इससे और कुछ नहीं चाहिए। जी, तो नंदनी यहाँ साफ तौर से आप छात्राओं के चेहरों को देखकर समझ रही होंगी, भाव को देखकर समझ रही होंगी कि कहीं ना कहीं ये उत्साहित हैं और ये कल के भविष्य का, नए भारत और भारत के विकास में अपना योगदान देते हुए नजर आएंगी। मगर बात करें तो एक बार फिर बालिकाओं ने इंटर और हाई स्कूल के नतीजों में अव्वल दर्जे का नंबर पाते हुए एक बार फिर अपना परचम बुलंद किया है। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु। तो वहीं पर आज इंटरमीडिएट और हाई स्कूल की परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें लड़कियों ने एक बार फिर से बाजी मारी है। हाई स्कूल की टॉपर बनी है प्रियांशी सोनी, और ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से हम रुक करेंगे सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर से हमारे संवाददाता आशुतोष सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे।
आशुतोष, क्या कुछ वहां पर माहौल देखने को मिल रहा है? रिजल्ट जारी कर दिया गया है यूपी बोर्ड का। जी बिल्कुल, आपको बता रहे हैं रिजल्ट का, जो बोर्ड का रिजल्ट जो आया है, बाकी बच्चों में काफी उत्साह देखा गया है। और जिस तरह बच्चे इस बार जो लड़कियां बाजी मारी है, हर साल तो लड़के बाजी मारते हैं लेकिन लड़कियां बाजी मारेंगी, इसको लेकर जो है काफी उत्साह देखने मिला। हम उस तस्वीर को दिखाएंगे, इस पर कैमरामैन से कहेंगे दिखाते किस तरह लोगों के अंदर उत्साह है और किस तरह लोगों के अंदर जोश है। मिठाई के साथ लोग अपना जो है खुशी का माहौल बना रहे हैं, टीचर भी जो है मिठाई खिला रही है, उनके अंदर भी खुशी है और खुशी के साथ साथ बच्चों का काफी उत्साह भी देखने मिल रहा है। इसी पे हम बात करते चलेंगे, कुछ बच्चों से हम बात करेंगे, बच्चे का क्या है खुशी है, किस तरह जो है उन्होंने आपको छुपा दिया है। सहयोग था, गार्जियन भी मेरे ऊपर ध्यान देते थे हमेशा, और अगर हम जितनी मेहनत करेंगे उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा, तो मेहनत पे ध्यान देना चाहिए। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं वो पढ़ाई नहीं कर पाते और जो पढ़ाई भी करते हैं नाम रोशन भी करना चाहते हैं, जिन माँ बाप भी अपील करते हैं उसको लेकर आते हैं। हमें हमेशा मेहनत पे ध्यान देना चाहिए, हम रिजल्ट के बारे में सोच के मेहनत कम करने लगते हैं, रिजल्ट के बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं, तो हमें अपनी मेहनत पे ही ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जिस तरह बच्चों का उत्साह देखने मिला है, हम और भी लोगों से बात करेंगे, यहाँ पे इंटर के भी बच्ची है यहाँ पे, वो भी काफी उत्साह भी देखने मिला है। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं वो कहते हैं मेरा 97 होना चाहिए, 99 होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। लेकिन आज एक हमारे बीच में ऐसी बच्ची, उन्होंने काफी परिश्रम किया, उनसे भी हम बात करेंगे। किस तरह आपने पेपर दिया है और टीचर और गार्जियन को लेकर आप क्या संदेश देंगे? मैं ये कहना चाहूंगी कि सभी लोग अगर मेहनत करेंगे तो उनका अच्छा से अच्छा परिणाम आएगा। जिस प्रकार मेरा भी बहुत अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है 80% मेरा बहुत अच्छा परसेंट है। टीचर जो होते हैं वही हमारी सबसे पहले, हमें मतलब हमारी लाइफ में हम जो भी करना चाहते हैं टीचर से ही हमें संदेश मिलता है कि हम क्या करें। वैसे हमें अपना लक्ष्य सबसे पहले बनाकर उसके बाद फिर जो हमें पढ़ाई करनी हो वो अपने रिजल्ट को ध्यान में ना देते हुए सबसे पहले हमें मेहनत करनी चाहिए। आज आपके स्कूल के सारे टीचर रिजल्ट देख रहे हैं, बच्चों के नंबर अच्छे आए, प्रतिशत अच्छे आए, हमारे स्कूल का नाम रोशन किया गया, उसको लेकर आप उसको लेकर कहेंगे? बच्चों में बड़ा उत्साह था, कुछ बच्चे उदास भी थे, उनको हम लोग मोटिवेशन किए कि आप अच्छा होगा, उनको हमेशा सकारात्मक सोच से किए कि जो भी होगा अच्छा होगा, जैसे आपने परिश्रम किया वैसे मेहनत आपका परीक्षा फल आएगा। लेकिन लगातार बच्चों की पढ़ाई की जाती है, बच्चों की पढ़ाई के बाद लोग बच्चे परीक्षा देते हैं, एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाकर परीक्षा देते हैं, एक उनके माध्यम से क्या अपील करती है, एक समाज में संदेश करेंगे, स्कूल का एक नाम रोशन करने के लिए क्या करेंगे? नाम रोशन करने के लिए उनको यही कहते हैं कि हमारी उद्देश्य यही है कि अच्छी पढ़ाई हो, अच्छी पढ़ाई से बच्चों के माध्यम से हमारे विद्यालय का नाम होता है, इसलिए उसको हमेशा प्रेरणा देते रहते हैं, बच्चों से मेहनत पढ़ो, पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो और विद्यालय का नाम रोशन करो, अपने माता पिता का नाम रोशन। जी बिल्कुल, आपको बता दें हर कोई टीचर ये नहीं चाहता हमारा बच्चा फेल हो, और बच्चे को आगे बढ़ावा देने के लिए टीचर का रोल होता है। बच्चे अब कितना संकल्प लेते हैं, बच्चे की पढ़ाई किस तरह की होती है वो बच्चा भविष्य तय करता है, लेकिन बच्चे कुछ ऐसे होते हैं जो मन लगा के पढ़ाई करते हैं और अच्छे नंबर लाते हैं, वह नाम संकल्प लेकर आगे बढ़ावा देते हैं, तमाम तरह की चर्चा के विषय भी हो जाता है, हाँ इस स्कूल में पढ़ाई अच्छी होती है। आशुतोष, कोविड के बाद देखिए पहला ये रिजल्ट घोषित कर दिया गया, जरूरत के हिसाब से ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस चलाई गई थी, तो वहीं पर जिस तरीके से उम्मीद लगाई गई थी उसके हिसाब से परिणाम आए हैं। जी बिल्कुल, आपका कहना सही है। देखिए कोविड का जब माहौल था, कोविड के माहौल के दौरान कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो पढ़ाई तो नहीं कर पाते, लेकिन फिलहाल इस बार बच्चों में काफी जोश भी है, अच्छा भी है, पढ़ाई भी हुई है, और क्लास में जाके वो बच्चों के साथ बैठ के एक उत्साहपन होता है, जैसे लोगों की जोश आता है,
बच्चे से मिलेंगे, हम बैठ कर पढ़ाई करेंगे, हम अपने पढ़ाई को लेकर एक दूसरे से जो है चर्चा भी करेंगे, हमको किसी की पढ़ाई करना है, क्या पेपर में लिखना होगा, किसी को पेपर में लिख के हम पास होंगे, ये तमाम तरह की जो है चर्चा विषय बना रहता है। लेकिन बच्चे भी कुछ ऐसे होते हैं जो हर तरह से जो है अपने टीचर से लेकर अभिभावक तक वो अपना नाम रोशन करने के लिए आगे बढ़ते रहते हैं। एक विषय का चर्चा बना रहता है कि लड़के या लड़कियां बाजी मारेंगे, लेकिन इस बार लड़कियां जो है, लड़कियां एक बार फिर से अपना परचम लहराई हैं। जी बिल्कुल, आपका कहना सही है, जिस तरह लड़कियां आगे बढ़ी, बाकी बहुत गर्व की चीज है, बस कहीं ना कहीं ऐसा होता है माँ बाप का सपोर्ट चाहिए रहता है लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन कुछ गार्जियन ऐसे होते हैं, हमारे माँ बाप जो है लड़कियों को डर की वजह से आगे नहीं बढ़ाते, या हो सकता है पैसे कारण उनको आगे नहीं बढ़ाया जाता, लेकिन बाकी बहुत ही अच्छी बात है अगर आप लड़कियों को आगे बढ़ावा दे रहे हैं, वो अपने दम पे पढ़ाई करके मेहनत करके आगे चल के कुछ अच्छी नौकरी भी पाते हैं, बाकी बहुत गर्व की चीज है, वो कुछ ना कुछ लड़कियां करके दिखा रही हैं, लेकिन अगर उनसे सीखा हुआ जो है अगर लड़के आज के जमाने में ना कर पाए कुछ ही अच्छा नहीं होता, लेकिन बहुत सी ऐसी पॉइंट है जो बच्चे कुछ ना कुछ मेहनत कर ले जाते हैं, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां हों, अगर लड़के हैं लड़के को भी जो है सबक इसमें सीखना चाहिए, अगर लड़कियां आगे बढ़ रही हैं उनका टक्कर लेके हम क्यों आगे ना बढ़े, ये चीज पॉइंट होता है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका आशुतोष। तो वहीं पहला स्थान जो है शुभ छापरा ने इंटरमीडिएट में अपना परचम लहराया है। दसवीं यूपी बोर्ड के टॉपर की बात करें तो पहला स्थान पर सीतापुर से प्रियांशी सोनी ने 98.33% लाकर अपने जिले का नाम रोशन किया है। और वहीं पर इंटरमीडिएट की बात करें तो पहला स्थान जो है शुभ छापरा ने लाया है। और इसके बाद आज जिस तरीके लगातार रिजल्ट घोषित होने के बाद इंतजार स्टूडेंट्स का खत्म हो चुका है, छात्राओं में खुशी का माहौल देखा गया, अलग अलग स्कूलों में देखा जा रहा है कि छात्र छात्राएं एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे हैं, अपने शिक्षकों का आशीर्वाद लेने हुए लेने पहुंचे थे स्कूल में। बुलंदशहर के सिकंदराबाद थाना क्षेत्र के चोला रोड पर सनराइज कोल्ड स्टोर में जमीन धंसने से बड़ा हादसा हो गया था, जिसके बाद कोल्ड स्टोर में काम कर रहे चार मजदूर दब गए थे। सूचना पर डीएम और एसएसपी ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और प्रशासन की टीम और एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू कर में लग गई। आपको बता दें कि 55 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद दो शव निकाले गए, एनडीआरएफ एसडीआरएफ और पुलिस लगातार रेस्क्यू कर रही थी। स्ट्रक्चर धंसने से अंदर चार मजदूर फंसे थे, जिनमें से दो को पहले ही कुशल बाहर निकाला जा चुका था। पता था रात को ये अचानक ये हादसा हुआ और ये उसमें दब गया। परिवार का खर्चा बढ़ा ये चलाता था, बाकी दो इससे बड़े भाइयों अपने लग रहे थे, पूरे परिवार का पालन पोषण कर रहा था ये। ऐसे में आप कोई गुहार लगाना चाहते हो, जैसे मजदूरी करके भरण पोषण होता था, और क्या शादी की जो आप बात बता रहे थे? 5 मई की इसकी शादी थी, 5 जून। अच्छा, ऐसे में कोई गुहार आपकी? हमारी गुहार यही है कि सरकार से थोड़ी अपनी स्तर से इनकी मदद करी जा, क्योंकि अब इनकी आर्थिक स्थिति पहले से कमजोर थी, अब और ज़्यादा बेकार हो गई है। लड़का पूरे परिवार का पालन पोषण कर रहा था, बहन बच्चे शादी के लिए, और ये परिवार इसी ऊपर निर्भर था पूरी तरह से। बुरा था, मील का मील ऊपर से भैया मील की वो गिर गई, बन बीमार थे, और ये नीचे बेसमेंट में काम कर रहे थे, कमजोर तरीके से जल्दबाजी में ये भरा गया मील। इनकी आर्थिक स्थिति क्या है, क्योंकि मजदूरी करते थे? मजदूरी करते थे, यही के लिए कमाने वाले जो घर का पालन पोषण कर रहे हैं। 4 बच्चे आगे, 3 एक बच्चे हैं, दोनों लड़की जवान है, शादी आदि के लिए अभी इसके लिए तो कुछ ना कुछ सरकार के लिए करनी चाहिए। तो अपने पीछे बच्चे छोड़ गए, जवान बेटी? हाँ, दो बच्चे जवान, 3 शादी, बिल्कुल शादी। खबर औरैया से, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार दुबे का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जनता के बीच जाकर उन्होंने फूलमती माता की कसम खाकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, माता रानी की कसम खाकर कहता हूं कि मैं राजकुमार दुबे नगर पालिका के लिए आए विकास के लिए रुपए को नहीं कमाऊंगा। इस नगर पालिका से रुपए लेना राजकुमार दुबे हराम का रुपए समझेंगे।
अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।